तुम्हारा खड़ा हो और अपनी पैगंबरों के उदार जीवन मूल्यों से जुड़ी विविधता में एकता के साथ सामुदायिक सद्भाव से जुड़ी संस्कृति का पथ प्रदर्शन हर साल की तरह इस साल भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 811वें उर्स के अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से चादर पेश की गई। राज्यपाल की ओर से भेजी गई चादर लेकर परिसाय लीडर राहुल भार्गव पहुंचे। भार्गव ने कलराज मिश्र के द्वारा भेजा गया संदेश पढ़कर सुनाया। राज्यपाल द्वारा संदेश के माध्यम से देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ की गई। इस मौके पर खादिम मुकद्दस मोइनी की अगुवाई में चादर पेश की गई। साथ ही भार्गव की दस्तारबंदी कर दरगाह का तबर्रुक भेंट किया गया। ख्वाजा साहब के 811वें उर्स के अवसर पर माननीय राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज मिश्र जी की ओर से, ये जो कि प्रदेश के प्रथम नागरिक हैं, उनकी ओर से आज मैं गोविंद जायसवाल हूँ, मैं उनका प्रिंसिपल ओएसडी हूँ, आज उनकी तरफ से चादर पेश करने के लिए आया हूँ। आज मैंने उनकी तरफ से यहाँ चादर पेश की और साथ में मैंने दुआ भी की कि हमारे देश प्रदेश के सभी लोग स्वस्थ रहें, अमन चैन से रहें और सभी को सुख शांति हो, समृद्धि प्राप्त हो। इसी संदेश के साथ, जो कि माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दिया गया है, और ख्वाजा साहब के जितने अनुयायी हैं, जितने फॉलोअर्स हैं, उनकी सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। रेड टेप के ब्रांडेड फैमिली वेयर पर ऑनलाइन आउटलेट सुविधा के साथ 70% की छूट। मेन, वुमेन्स, बॉयज, गर्ल्स और किड्स के लिए रेड टेप के वियर और फुटवियर 70% की छूट के साथ उपलब्ध है। हमारे शोरूम से आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन रेट पर कोई सा भी वियर। तो चले आइए रेड टेप शोरूम पुरानी चौपाटी के पास, अनासागर सर्कुलर रोड, अजमेर। संपर्क करें 01454060760 और 7737324099। राजस्थान विधानसभा चुनाव आ गया 2023। अमीनी कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे। विधानसभा क्षेत्र में कौन होगा अपना विधायक उम्मीदवार, कौन कर रहा है तैयारी, कौन सी पार्टी से रखता है वो संबंध बताएंगे आप और उस क्षेत्र में रहने वाली जनता। अमीनी के फेसबुक या यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें, बताएं आपके विधानसभा क्षेत्र में संभावित दावेदार की पार्टी का नाम अवश्य लिखें, साझा करें जिससे आपका क्षेत्र का हो संकीर्ण विकास। प्रतिदिन 2 या 3 विधानसभा 3 बजे 5 बजे ये जानकारी हमारे व्हाट्सएप पर भी साझा कर सकते हैं। अजमेर, जयपुर, जोधपुर के बाद अब कोटा संभाग।